जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का ये प्रोग्राम तकरीबन 2 हफ्तों की गैर हाजिरी के बाद हम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप यू विल सी द डिफरेंस, विजिबल डिफरेंस। जनाब समीउल्लाह मलिक साहब, ही इज़ गेटिंग यंगर डे बाई डे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रोग्राम हमारा डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब के साथ होता है। आप माशाल्लाह कदावर शख्सियत हैं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ चीज़ों में आप अपना रोल प्ले करते हैं, थिंक टैंक्स का हिस्सा हैं, राइटिंग्स इनकी बहुत सारी हैं, लिखते बहुत हैं। वो अलग बात है कि किसी पे असर हो या ना हो, देखते हैं। मगर आप मुख्तलिफ जगहों पे अपने एनालिसिस भी पेश करते हैं। इनकी अपनी वेबसाइट है bittertruth.uk, bittertruth.uk के नाम से इनकी अपनी वेबसाइट है, और ज़ाहिर है इस प्रोग्राम को भी रौनक बख्शा करते होते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हयाक अल्लाह बारक अल्लाह फीजी। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तबीयत कैसी है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो। सर टेक्नोलॉजी जिंदाबाद, वी कैन गेट यंगर डे बाय डे। अब आप आपको मतलब एक अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। कहते हैं कि अक्सर अकात जब कोई बीमार होता है ना, हाय अल्लाह तू बड़ा कमजोर लग रहा है, उस बंदे का और भी मोराल डाउन हो जाता है। मगर आई जस्ट वॉन्ट टू कीप योर मोराल अप, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर डूइंग फाइन। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुमामीन। डॉक्टर साहब आप इतने दिन गैर हाजिर रहे, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, बड़ी अजीब सी सूरत हाल है पाकिस्तान की, मगर क्या फरमाएंगे? जाहिर है आप भी खबरें देखते होंगे, और आप इस वक्त की जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके बारे में क्या कहेंगे? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لما تقولون ما لا تفعلون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري أهل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين करोड़ों हम्द व सना अल्लाह ताला की ذات گرامی پر اور करोड़ों درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر। आपने बड़े अच्छे सवाल से आगाज किया है। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में इस कदर सियासी और इक्तसादी इंतशार नहीं था जो आजकल हम देख रहे हैं। और खास तौर पे मैं इस बड़ी ईमानदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि ये सारे का सारा जो है सियासतदान की जुबानों से जो आग उगलते अल्फाज हैं ये उनका किया धरा है। मुल्कों पे बेशुमार मसाइल आते हैं, मसायब आते हैं, मुसीबतें आती हैं, तूफान जल्जले आते हैं। मुल्क जो है दूसरी जंग अजीम के बाद, पहली जंग अजीम के बाद बिल्कुल तबाह हो गए, वो उठ के खड़े हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन आप देखिए कि हमारा मुल्क जो है दिन ब दिन जो है नीचे ही चला जा रहा है, और एक और सियासतदान जो है एक दूसरे पर जो इतना तमर्रा पड़ रहे हैं, इस कदर जो गलीज बातें करते हैं, इस कदर उनका खिताब, उनके अल्फाज जो है, ये सबसे बड़ी जो है मुसीबत हमारे लिए बनी हुई है। हालांकि मैं आपसे अर्ज करूं ईमानदारी से कि कुछ लफ्ज जो होते हैं ये हुकूमत करते हैं, कुछ गुलामी करते हैं, कुछ लफ्ज हिफाजत करते हैं, और कुछ हमें खतरात में मुबतला कर देते हैं जिस तरह आजकल हम हैं। कुछ अल्फाज दिल पर वार करते हैं जो जिगर को तार तार कर देते हैं जो कि आजकल हम हैं, और कुछ अल्फाज शदीद तरीन मुखालिफ को भी आपका गर्विदा कर देते हैं जिसकी हमें तमन्ना है। अल्फाज की अपनी ही एक दुनिया होती है मेरी बहन, हर लफ्ज अपनी जिम्मेदारी निभाता है, हर लफ्ज का अपना एक मुकम्मल वजूद होता है। जब से मैंने लफ्जों को पढ़ने के साथ साथ समझना शुरू किया है तो समझ आया कि एक कि हर लफ्ज सिर्फ मानी नहीं रखते बल्कि ये तो बड़े तेज दांत रखते हैं जो काट लेते हैं, ये हाथ रखते हैं जो गरीबान को तार तार कर देते हैं, ये पांव रखते हैं जो ठोकर लगाकर पाश पाश कर देते हैं, और अगर इन लफ्जों के हाथों में लहजे का असलाह थमा दिया जाए तो अल्लाह अकबर, ये तो वजूद को छलनी करने पर भी कुदरत रखते हैं, और ये हो रहा है हम देख रहे हैं। इसलिए अपने लफ्जों के बारे में हर दर्जा मोहतात रहना चाहिए हमें, ये मेरी आपके तौसीफ से गुजारिश है आपके तमाम सुनने वालों के लिए। इन्हें अदा करने से पहले अच्छी तरह सोच लें कि ये किसी के वजूद को समेटेंगे या किसी किसी बिखेर देंगे, क्योंकि ये आपकी अदायगी के गुलाम हैं और आप उनके बादशाह हैं। और जिस तरह बादशाह अपनी राय का जिम्मेदार होता है, अपने से बड़े हाकम और बादशाह को जवाबदेह भी होता है, इस तरह हर बादशाह जो है वो भी एक आकुल हाकमीन और शहनशाह का शहनशाह है,
उसके पास भी हमें हाजिर होना है। हम दुनिया में अपने करतूतों पर पर्दा डाल लेंगे, चल जुबानी के साथ पर्दा डाल लेंगे, लेकिन उसके हाथ से कैसे बचेंगे? आखिर क्या वजह है कि हमारे मुल्क अब रमजान इंशाल्लाह तो यही की जा रही है बरतानिया के अंदर कि आज शाम को और चंद घंटों के बाद रमजान का चांद नजर आ जाएगा और रमजान मुबारक महीना शुरू हो जाएगा। और यही माह रमजान है जिसमें इसकी मुबारक शब को 27वीं रात को, जबकि जुमे का आखिरी जुमा था, उसमें हमें अल्लाह ताला ने यह मुल्क अता फरमाया था। आप मुझे ये बताएं कि इस मुबारक शब को अता करने वाली मौजदाती रियासत, उसके साथ हमने क्या हशर किया है? आपने पूछा मुझसे कि सियासतदानों की तो आपके सामने है, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब आप टीवी की स्क्रीन में जाएं तो देखें तो बस गुत्थम गुत्था है, आप एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो गिरफ्तारियां चल रही है, वो लाठीचार्ज चल रहा है, वो फलाह हो रहा है, फलाह ये हो रहा है, सब कुछ कुछ हो रहा है। बताए आप क्या समझते हैं कि किसी जिम्मेदार मुल्क के सियासतदानों का ये सलूक होना चाहिए, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो? आप देखें कि हमें तकसीम कर दिया गया, हमारे घरों में तकसीम आ गई है। बाप अगर किसी एक पार्टी का वफादार है तो बच्चे जो उसकी दूसरी पार्टी के वफादार है, मोहल्ले के अंदर पड़ोसी किसी के साथ है दूसरा पड़ोसी किसी के साथ है। ये अलग बात है कि जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क को इस जो उस करप्शन में मुबतला है, अल्लाह ताला उससे यकीन हिसाब लेगा और हिसाब होना चाहिए उनका मतलब। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपके तौसत से, आपके जो नाजरीन है उनसे, कि खुदा के लिए अपनी मुखालफत के अंदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें कि बाद में आपको उसमें सुनने में शर्मिंदगी महसूस हो। कभी कभी ये सोच लिया करें कि जो लफ्ज की अदायगी किसी आप मुखालफत के बारे में कर रहे हैं, अगर वो आपके बारे में करें तो आपको क्या महसूस होगा? ये सोशल मीडिया जो है, आप आजकल बच्चों की दस्तरस में है, हमारी माओ बहनों की दस्तरस में है, आप देखिए कि उस पर अगर हम जो कुछ भी ऑल फॉल बक रहे हैं, जो ऑल फॉल लिख रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसका क्या असर होगा? आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर कोई एक बात गलत आपने कह दी, सोशल मीडिया पर चला दी, फिर वो हजारों लाखों अंदर जब पहुंचेगी तो सारे उस गुनाह में, बेलज़त गुनाह में किस कदर वो आप भी शरीक होंगे। तो इसलिए मैं इस दुख के साथ मैं आपके इस प्रोग्राम का आज आगाज करना चाहता हूं कि हमें अवाम की इस्लाह के लिए भी ये बात करनी चाहिए कि आप बेशक जिस मर्जी पार्टी का करें, आप उसकी हमायत करें, लेकिन आप ये देखें कि आपने इस मुल्क जिस मुल्क के लिए आप एक दूसरे के सामने खड़े हैं, होना ये चाहिए कि आपको इस मुल्क के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन आप एक दूसरे के खिलाफ। बड़ी तफसील से बयान किया, मैं अवाम के लिए तो आप लिखते भी हैं, अवाम को तो आप हर मैसेज दे रहे हैं, मगर रोल मॉडल्स एंड प्रेसिडेंट्स कौन सेट करता है, इसके बारे में भी आपको तो, और आपकी उन लोगों तक रसाई भी है। यानी एक ख़ास पोजीशन के बाद जब तरक्कियां होती हैं तो उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, वो सोशल गैदरिंग पे और मुलाकात पे, और उन वीडियोस को बाद में इस्तेमाल, तो ये बड़े पैमाने के ऊपर जाके होता है, तो आम आवाम के लिए। अब बड़े पैमाने पे अगर आपके आप बात कर लें तो आप जितनी गलत बयानी और इबहाम इस वक्त है, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मगर अब आप देखिएगा कि अवाम जो ये जो गुस्सा है ना, देर इज़ अ वजह उस गुस्से की, मेंटल इलनेस, के बच्चा अपने घर में जब गालियां देती हुई माँ और गालियां देते हुए बाप की जेर निगरानी जब वो परवरिश पाता है तो ये उसका बिहेवियर बन जाता है कि दीज आर जस्ट नॉर्मल थिंग्स। इस वक्त पाकिस्तान की जवान नस्ल उन प्रॉब्लम्स का शिकार है। मैं मानती हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रही, मेरे सामने फॉलो करने के लिए इस वक्त की लीडरशिप है। आप इमेजिन करें कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इमरान खान मेरा जाती मुलजिम है, इमरान खान के लिए मैंने मच में मिर्ची जेल का बंदोबस्त कर लिया, ठीक है, वहाँ पे एक और लीडर का बलूचिस्तान में उसका भी तस्करा करते हैं। और जब ये जिक्र किया जा रहा है तो आपको पता ही है कि जिस किस्म का जिस्मानी तकलीफ का जो, या यानी इंसान का लिबास कवर करता है उसको और बाकी चीज़ें मेरी और अल्लाह के दरमियान है, तो अब बेलिबास करके तशद्दुद करना, जिले शाह को मारा गया, 27 जगह पे उसको तकलीफ पहुंचाई गई जिसमें उसके हिसास आजा, माई गॉड देर आर सो मैनी अदर थिंग्स, तो आपने इसी तरह का जुल्म और बर्बरियत क्यों शुरू कर दी? अच्छा,
वो आंख में आंख डाल के झूठ भी बोल रहे हैं, वो जो नजर आ रहा है उसको हर जगह पे ब्लॉक भी किया जा रहा है, जिससे अवाम में, आम आदमी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। आप उस फ्रस्ट्रेशन का क्यों जिक्र नहीं करते? मरियम साहिबा फरमाती हैं कि इमरान खान को क्रश कर दो। अब उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी गाड़ी को चेक करने और बुलेट प्रूफ गाड़ी भी उड़ाई जा सकती है, ये बाकायदा उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा है। अब यहां पर, और फिर आप हर एक को ब्लॉक कर लेते हैं, कल भी एक सहाफी को अरेस्ट करके कर लिया, और ये इमरान खान के दौर में भी सहाफियों के साथ ज्यादती हुई थी। तलत हुसैन जो है, वेरी गुड जर्नलिस्ट, आपने उसको खुद लाइन लगा दिया था। मतीउल्ला जान उनके साथ, मतलब मगर कम था। अब तो इस वक्त जो लोग हैं वो तो जो आंख में आंख डाल के झूठ बोल रहे हैं, वहां से जब बेबस आदमी होता है ना, वो जब कुछ नहीं कर सकता तो फिर वो गालियों पे उतर आता है। मुझे लगता है इस वक्त सूरत हाल ये। और वो जो साहिब इक्तदार हैं, वो जो इशराफिया है, आप उसको कैसे समझाएंगे? दोज हु सेट द प्रेसिडेंट्स, रोल मॉडल्स जो हमारे हैं, उनको कैसे समझाएंगे? देखिए, मैं, आपने जितनी भी बातों का जिक्र किया है, सनाउल्लाह और मरियम नवाज का, सबका मतलब है, मैं पहले भी और आज भी फिर से मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। ये बात गलत है और ये करने नहीं चाहिए। यही तो चीजें हैं जो मैंने इसका मैंने इत्तला में जिक्र किया कि हम अपने अल्फाज के साथ किस कदर लोगों को चलनी कर देते हैं। हालांकि अमलन उन्होंने ये किया नहीं, लेकिन यह है कि उनके अल्फाज इस कदर गहरी चोट और इतना गहरा असर रखते हैं कि उनके जो मानने वाले हैं। नहीं किया, क्या नहीं किया, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, आपको भी पता है, आंखों के सामने झूठ नजर आ रहा है। तैयना सीसीपीओ की तैनाती होती है, आईजी पंजाब की होती है, गवर्नर की होती है, वजीर आला की होती है। निगरान गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन, वेयर एज दे टॉकिंग अबाउट द चेंजेस विच दे आर नॉट एलिजिबल फॉर। और आईजी पंजाब, एंड आई एम सरप्राइज कि आप कौम को किधर लेके चले जा रहे हैं। आप इमेजिन करें कि ये वो लोग हैं जिनके पैसे से आपको तनख्वाहें मिलती हैं, और वो कहते हैं दो चार बंदे मार दो, मार दो, इनको गिरा दो। अब तो इस नहज के ऊपर आ गए हैं। मैं आपको जो बात, आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा था, आपने इसमें फिर से दोबारा उछली बात। बात यह है कि मैं ये जरूर, मैं तमाम जितने भी आपने बातें कही हैं, मैं उनकी उनकी मजम्मत कर रहा हूँ। अच्छा, चाहे ये अमल जो आजकल राणा सनाउल्लाह या मरियम के साथ बताई जा रही है, ये किसी को और भी करे तो वो भी गलत है। कोई भी करे, ये बात गलत है। मतलब और इसकी शदीद तरीन जो है इसकी मजम्मत करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आजकल हो, कि मैंने पहले शुरू में आपसे कहा कि हमने अपनी अपनी सियासत से अपनी सारी कौम को तकसीम दर तकसीम करके रखा हुआ है। होना ये चाहिए कि हमें ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए जिसके अंदर हम हकायक लेके आए, वो चाहे मरियम के खिलाफ हो, चाहे इमरान के खिलाफ हो, चाहे इनके हक में हो, चाहे इनके द्वारा खिलाफ हो। हमें कम से कम, हमारे यहाँ कह तो रिजाल नहीं है अभी, लेकिन मसला ये है कि उन लोगों के मुंह बंद कर दिए गए हैं, ये भी बताया जाए। ये भी एक बहुत बड़ी खिदमत होगी कि उन लोगों को जो कि सच बोलने की इस वक्त भी हिम्मत रखते हैं और उन्हें पता है कि उनके सच बोलने की सजा मिलेगी, उन लोगों की तायद की जाए, उन लोगों को आगे लाया जाए। फिर साथ साथ हम अपने अपनी इस कौम को ये तरबियत दें, हम ये देखें, उनसे कहें कि आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आईटी आपके पास, आईटी का हुनर आपके पास है, क्यों नहीं आप इस मुल्क के पूरा एनालिसिस करते हैं कि इस मुल्क को किस किस ने लूटा है, किस किस ने इस मुल्क के साथ बेदर्दी के साथ जो है करप्शन की है। रिजल्ट सामने आए, जो रिजल्ट सामने आए उसकी आप हमायत करें। आप देखें ना, वोट तो आपका एक है, हर फर्द का वोट तो एक है। अब वो चाहे 100 गालियां निकाल के दें, चाहे आप मुस्कुरा के अपने आदमी के हक में डाल दें। हम क्यों नहीं ऐसी महजब कौम बनते? हम मुसलमान तो कहलाते हैं, इस्लाम हमारा मजहब है, सलामती वाला मजहब है। हमने क्या किया? क्या हमने मुसलमान होने का हक अदा किया? क्या हमने इस्लाम के मान जो सलामती उसका हक अदा किया? वो तो नहीं हम कर रहे। मैं इस तरफ आना चाहता हूं, मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे इस पाकिस्तानी कौम के साथ कि रमजान का महीना आ गया है, चलिए आज इसी से आगाज कर ले, रमजान का महीने से ही आगाज कर ले कि अल्लाह सलामती का महीना, इसमें रो रो के दुआएं मांगे आप अल्लाह ताला से। और खुदा करे कि ये जो लोग खुद को, सबको पता है कि इकदार तो आनी जानी चीज है, आज अगर सनाउल्लाह है तो कल सनाउल्लाह नहीं होगा। सनाउल्लाह ये भी सोच ले कि उसने जो कुछ करना है, जो कुछ करना है, जब इकदार में नहीं होगा, अगर उसके मुखालिफ इकदार में आ गए तो फिर वो क्या करेगा। और ये बात हमने, ये बात इमरान के जमाने में भी ये बात कही थी,
कि आप कानूनी तौर पे जो कानून जिस बात की इजाजत देता है वो आप करें, जरूर करें आप। जो लोग मुजरम हैं उन पर मुकदमे चलाए जाएं, जो बहुत मुल्क शुक्रिया, बहुत लौटाएं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मरियम साहिबा ने जो ये कहा है कि उनको यानी ये जो मारने के लिए कि आप जितने बंदे मरते हैं मार दो, 8-10 को गिरा दो, ये वीडियो टेप भी एक रिलीज हो गई है, आउट हो गई, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। समीर भाई, आप ख्वाबों की दुनिया में रहे। अगर यही बात मरियम नवाज के खिलाफ अगर दूसरी पार्टी के लोग कहेंगे तो भी गलत है, ये बात गलत है। यही तो हम चाहते हैं कि हमारे इस मुल्क के अंदर, सियासत के अंदर तशद्दुद है, इसका जो अंसर है ये खत्म किया जाए। जो आप देखें मुल्कों के अंदर जंगें होती हैं, आप एटम बम गिराए जाते हैं, लाखों आदमी एक ही नशिस्त में मार दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी तो टेबल पे बैठ के बात की जाती है ना, उसके बाद फाम तफहीम की बात टेबल पे बैठ के की जाती है। हमारे मुल्क में खुदा ना खास्ता इस कदर तो नहीं आया कि हमने कुछ जंगे अजीम कर दी दूसरे के साथ, इतने मार दिए। आप मेज पे बैठे, मैं कहता हूं फर्ज कर ले कि इमरान के ऊपर केसेस हैं, आप इमरान के साथ मेज में बैठे, आप इमरान ने कह दिया है कि मैं सबको माफ करता हूं, मैं सब मेरे साथ, मेरे दिल में कोई ऐसा नहीं है, तो आप भी अगर इमरान अगर दो कदम आगे बढ़ा है तो आप चार कदम आगे बढ़े, आप हुकूमत में हैं, आप चार कदम आगे बढ़े, आप उसके साथ बैठे, उसके साथ बैठ के बातें करें, ताकि सारी कौम जो इस वक्त जो है मुसीबत में है, आपकी इन हरकतों को, जैसे हम मुल्क जो है दिवाली के, दिवालिया बात बात कहते हैं, दिवालिया हो चुका है लेकिन अमला हम दिवाली के उस पर पहुंच दरवाजे के ऊपर खड़े हैं। महंगाई का ये आलम है कि लोगों ने अपने यानी फाकों में फाके आने शुरू हो गए हैं, आटों की आटा लेने की लंबी लाइनों के अंदर देख के जो बूढ़े मुअम्मर आदमी, जो औरतें मर्द जो है बेहोश हो जाते हैं, उसको देख के शर्म आती है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और वहां पे हमारे गंदम का ये महंगाई का ये आलम है। अब आप ये देखिए कि ये इसके बारे में तो कोई गौर नहीं करता, इसके बारे में कोई बात नहीं की जाती। सर मैं एक और आपसे बात करना चाहती हूँ, इमरान खान साहब की जितनी जमानतें हो रही हैं, 8 दिन की, 10 दिन की जमानतें हो रही हैं, मियाँ साहब $50 के इश्ताम के ऊपर जमानत लेके गए थे और 4 साल के बाद भी वापस नहीं लौटे, और अगर लौट भी जाएंगे तो आप देखिएगा VIP सेल में, मतलब VIP उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा मगर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। अब बेवकूफ़ बनाने का दौर नहीं रहा, अब एवरीथिंग लोग तो बीच में बात कर रहे होते हैं, तो जैसे कल का अंदर से ही किसी ने आउट कर दिया कि गवर्नर और वजीर आला जो हैं KPK के, उनकी आपस में बातचीत होती है और वो एक शख्स गवर्नर दूसरे को कहता है जैसे इस चाय के कप के बीच में चम्मच नहीं हिल सकता, मेरी मर्जी से हिलेगा, इसी तरह यहाँ फैसले भी मेरी मर्जी से होंगे, यानी सुप्रीम पावर्स का जिक्र किया जा रहा है पाकिस्तान में, लॉलेसनेस है सर, लॉलेसनेस है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि यस आप किसी को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं मगर दुनिया में ये एक हकीकत है कि जो कमज़ोर होता है लोगों की हमदर्दियाँ उसके साथ होती हैं। यानी आज भी की भी केस है कि एक अटैक हुआ है दहशत गर्दों का जिसमें आर्मी के ऑफिसर्स जो हैं उनकी शहादत हुई है, मुझे गम इस बात का है कि हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट आपके अपने मुल्क में दहशत गर्द चले फिर रहे हैं, आप मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी को तो केयर कर नहीं रहे, आप लोग सिर्फ जायदादों के पीछे हैं। बस इसका जवाब दे दीजिएगा फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। गुजारिश ये है कि वही बात आ जाती है कि वो लोग जो कि ये कहते हैं कि मेरी मर्जी के साथ जब कप में चम्मच हिलेगा इस तरह निजाम हुकूमत चलेगा, तो गोया ये निजाम हुकूमत ही गलत है। ये जो निजाम हुकूमत जो है आज तक जो हमारे जिसके साथ हम चिमटे हुए हैं, जिसको जमहूरियत का नाम देते हैं, कभी कोई नाम देते हैं, ये हमारे लिए वो वाले जान बना हुआ है, हमें इस निजाम हुकूमत से निकलना है। आखिर आपने कहा कि 50 रुपए के मचलके पर वो चले गए मियाँ साहब अब तक वापस नहीं आए, ये बात गलत है, वो भी गैर कानूनी काम है, और ये भी गैर कानूनी काम है कि इमरान खान साहब को अदालत में तलब किया जाए, ये जांच पहुंचे वहां पे, और अगर पहुंचे तो जत्थों के जत्थे लेके पहुंचे और फिर ये कहें कि जी आप मेरी ये कर ले और मेरी हाजिरी बाहर लगवा ले, मतलब ये भी बात गलत, कानून की अमलदारी भी नहीं रही। आप बताइए कि हम कहाँ मुंह दिखाने का काबिल रहे, अगर अदलिया भी तो हमारी ये देखिए कितनी बेबस हो चुकी है सर, इसका आज हमारे चीफ अगर हमारी मजबूत होती, अगर अदलिया हमारी मजबूत होती तो 50 रुपए का जो मचलका जिसने भरा था वो आज वजीर आजम है, उसे क्यों बुलाया जाता, उसे क्यों बुलाया जाता, उसे बुला के उसे पूछा जाए कि तुमने सबसे बड़ी खुलासा की, तुम 50 रुपए का मचलका भर के गए थे, ये इसकी इसकी उस मुजरिम को लाओ,
सब जब उनसे पूछा गया ना कि आपका बेटा कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। और उसके बाद टर्की में वो इकट्ठे बैठे हुए थे। मैं सर आपसे, अभी आपने एक लफ्ज कहा, देखिए जो आपने इस बात की ना, इसके बाद में अदलिया का काम बनता है कि अपना रास्ता बनाए। तो अदलिया का काम बनता है ना रास्ता बनाए। अदलिया तो आप देखिए, हमारी अभी जो सर्वे हुआ है, रिसेंटली एक सर्वे हुआ है, ट्विटर के ऊपर सर्वे हुआ है, उसके ऊपर हमारे अपने पाकिस्तानियों ने इसमें जो वोट दिए, अदलिया को सबसे कम वोट दिए। नहीं सर, अभी अभी जनाब पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से, अभी आपने एक लफ्ज़ कहा कि जत्थों के जत्थे लेके चले जाते हैं। सर आपको एक बात का पता है कि कनाडा में, इंग्लैंड में, इवन अगर फनकार भी कोई आता है ना, से शाहरुख खान आ जाए, तो अगर उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी ना हो ना, तो लोग बोटियां उसकी तोड़ के ले जाएंगे। मैं अक्सर कंसर्न हुआ करती थी, अब जाहिर है मैं इस बिजनेस में हूं, तो आई हैव सीन दीज थिंग्स। इमरान खान साहब से इस वक्त लोग, क्योंकि फातिमा जिना के साथ हो गया, अब लोग कुछ इदारे जिनकी मैं बड़ा एहतराम करती हूँ, करती रहूंगी, मगर चंद लोगों की गलतियों की वजह से लोगों के दिल में इतनी नफरत भड़क गई है। इमरान खान जिधर जाते हैं, ये मोहब्बत करने वाले, आपको मैं बताती हूँ कि जाहिर है ही इज जस्ट कीपिंग पीपल पोस्टेड, उस लोगों को एक पेज पे रखने के इवज लोग खुद आते हैं। घरों से निकाल के तो कोई भी नहीं आता, लेके आता कि हाँ भाई तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरे साथ आओ। दिस इज लव ऑफ द पीपल बिकॉज दे हैव सीन फॉल ऑफ ढाका, दे हैव सीन इस मुल्क के साथ कहाँ कहाँ ज्यादती हुई। तो अगर आपसे लोग बिलीव नहीं करते, घरों से पकड़ के तो इमरान खान लेके नहीं आते। ये तो लोग हैं जो जत्थों के जत्थे निकल के चलते चले आ रहे हैं, दे आर रेडी टू प्रोटेक्ट हिम। आपके इस सवाल का एक मिसाल के साथ जवाब देना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि फिल्मी बड़े बड़े अदाकार और दूसरे से लीडर आते हैं, तो लाखों लोग उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचते हैं, उनको देखने के लिए पहुंचते हैं। तो मुझे क्या बताइए कि वो जो अदाकार है या वो जो लोग हैं जिनके लोग आते हैं, क्या अपने घर के चलने से पहले, अपने सफर करने से पहले 2 दिन पहले ट्रेन चलाते हैं कि चलो चलो लाहौर चलो, चलो चलो पिंडी चलो, चलो चलो नहीं यूनिवर्सिटी। सर, नहीं सर, ये तो सर मतलब आप बहरहाल, मैंने आपसे कहा इस ये भी मुल्क मुझे में नहीं हर समझता। आदमी बायस है, हर मैं आदमी इस बात को बायस भी है, मैं गलत कुछ भी समझता हूं। नहीं मैं कह कहता हूं कि इमरान खान एक रियलिटी है, मुल्क का बहुत बड़ा सकता। लीडर है, ठीक सर, इसकी जिम्मेदारी, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे मुल्क की सिक्योरिटी पे लाजम है। हम इससे पहले बेनजीर को खो अच्छा, चुके हैं, आज उसके बाद पीडीएम हमने का और जो कैबिनेट का, सेलवे नुकसान उठाया, अभी तक उसको अभी तक वो नुकसान पूरा नहीं हो सका। मैं इस हक में हूं कि इमरान खान की पूरी जिम्मेदारी जो है वो ये मुल्क की जिम्मेदारी है, हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इसकी पूरी हिफाजत की जाए ताकि इसको नुकसान ना पहुंच सके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे। हम सर, मैं आपको ये तो बताऊं कि मेरा ख्याल हर एक इंसान ने अपनी अपनी एक ऐनक लगाई हुई है। हम अब गलत को एक्चुअली गलत कहने के कायल नहीं हैं, बिकॉज वी लुक एट हमारे अपने जो प्रस्पेक्टिव हैं उसके लिहाज से हम चीज़ों को देखते हैं। अब तो ये मैं, और एक इशा की नमाज अजान थी, और इशा की अजान के बाद यार आपको मस्जिद में हर तरह के लोग आए होते हैं, तो एक बांग्लादेशी थे, तो पाकिस्तानियों ने हाथ बांध के उनसे माफ़ी मांगी कि आपके साथ, हमें आज तक उस हकायक का पता नहीं था कि आप लोगों के साथ क्या ज्यादती हुई, मगर हमारी आर्मी ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया, एंड आई एम सरप्राइज टू हियर अबाउट इट। यस, उसको तकवियत दी थी जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ, और नरेंद्र मोदी ने पर्सनली कन्फेस किया कि मुक्ति बहानी ने जो कुछ किया था, मगर लोग अब उस चीज को भूल गए हैं। वो उस चीज को महसूस करते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी, यहिया खान साहब की गलतियां, उसके बाद के लोगों की गलतियां, और जो पाकिस्तान ने खमियाजा भुगता उसका जिक्र करते हैं। और आज अगर आर्मी के रिफॉर्म्स की बात की जा रही है ना, तो आर्मी के चंद वो जनरल्स जिन्होंने इस सिस्टम को मिसयूज किया, अब्यूज किया, वो कभी भी रिफॉर्म्स लाने नहीं देंगे। दिस इज अ वेरी सैड थिंग। आपको एक बात बताओ बेटा, बात फिर वही चली जाती है जहां से मैंने आगाज किया था कि हमारा अल्फाज का चुनाव क्या होना चाहिए। अगर हमारा अल्फाज का चुनाव दुरुस्त हो जाए, हमें हकीकत की ऐनक लगा के अपने तमाम मामलात को परखने की जो है हिम्मत मिल जाए, तौफीक मिल जाए, तो हम कानून के हुक्मरान से, चाहे वो जनरल हो, चाहे जज हो, कोई सहाफी हो, ब्यूरोक्रेट हो, सियासी लीडर हो, उसका मुहासबा कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ये अर्ज कर दूं, मतलब इसके अलावा मार कुटाई से, बलवे से, मतलब कौमें तबाह होती हैं, बर्बाद होती हैं।
इसका बेहतरीन तरीका ये है, मैं आज भी आपसे कहता हूं कि आप जिस तरह ये प्रोग्राम करती हैं, अपने प्रोग्राम के ऊपर ऐसे लोगों को लाए और उनसे बकायदा तौर पे इस बात का मशवरा लें कि इस बुरी हालत में मुल्क जो फंसा हुआ है उससे कैसे इसे निकाला जाए, ना कि किसी पार्टी की हमायत की जाए ना किसी पार्टी की मुखालफत की जाए। हमने मुखालफत करके बहुत कुछ देख लिया। बाजवा साहब को जरा लेके आए, उनसे पूछे, बाजवा साहब जिस दलदल में डल गया पाकिस्तान, अब इसको निकालना कैसे है? इधर एनी चांस कि वो 2 साल बिल्कुल नहीं बोल सकते? मैं आपको दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूँ, आप फिर से कोई ऐसी कोई चीज छेड़ देती है कि बाजवा लेके आओ। चलिए आप कंक्लूड कीजिए सर, प्रोग्राम को आप कंक्लूड कीजिएगा, आपको बहुत शुक्रिया, आपकी तबीयत भी अच्छी नहीं। आज मैं इस मुझे सच मिल नहीं रहा कहीं से, मैं आप यकीन करती हूँ करें कि मैं आई क्राई कि मुझे सच मिल नहीं रहा। हर इंसान शुगर कोटेड गोली खिला के आगे कर देता है, हर इंसान अपने एंगल से देखता है। और अगर पाकिस्तान रहा, आज किसी ने ये भी कह दिया कि जी सिंधु देश बन जाएगा और पंजाब तो पिसके रह जाएगा, और वो कहते हैं कि ये चमगादड़ें चमकी हुई थी, सिंध की चमगादड़ें और पंजाब की चमगादड़ें, जिसमें मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र है कि भुट्टो खानदान ने आज तक रूल किया और दूसरा रूल 3 दफा नून फैमिली ने किया। मैं उनकी बात की पूरी तायद करता हूँ, जो उन्होंने कहा है मैंने वो प्रोग्राम देख लिया है, मैं उस प्रोग्राम की तायद करता हूँ। बात यह है, मैं इस बात में कंक्लूड करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारी कौम के अंदर वो दोबारा, चाहे कौमें कितनी भी बिगड़ जाए, आप कितने भी बुरे हो जाए, मतलब है, लेकिन ये नहीं कि उसकी इसलाह के लिए वो काम शुरू नहीं करना चाहिए। इसलाह के लिए वक्त होता है, इसलाह के लिए कभी भी कोई वक्त ऐसा मुबारक साबित हो सकता है कि कौमें कैसे रास्ते पर चल पड़े। आप देखिए कि जब पाकिस्तान अभी नहीं बना था तो हम हिंदुस्तान के अंदर क्या जिंदगी गुजार रहे थे, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उस गुलामी की जिंदगी के अंदर कुछ लोगों को ऐसी तड़प दी, हुर्रियत की ऐसी तड़प दी कि वो उठे और दो कौमी नजरिए के बुनियाद के ऊपर जो है पाकिस्तान को बार वजूद में ले आए। अल्लाह ताला ने समझ जाती रियासत को माह रमजान की 27वीं मुबारक शब को बनाया। आज रात माह रमजान शुरू होने वाला है। मैं समझता हूं कि अल्लाह के हाथ, अल्लाह को, ये हमारा केस अल्लाह को सुपुर्द कर देना चाहिए। अल्लाह जो हमें कहता है हमें वो करना चाहिए। अल्लाह ने हमें कहा है कि उदखिलू फी सिल्मे काफा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमें आज इस रमजान मुबारक के अंदर इस बात का अल्लाह के साथ ये वाहद वादा करना होगा, अल्लाह हमने जो उफू बिल अहद आपसे किया था कि हमें आप अपना मुल्क दें, ऐसा खिता खिता दें जिसके ऊपर हम कुरान को नाफज कर सके, अल्लाह उसमें नाकाम हुए। अल्लाह हमने इस मुल्क को इस्लामी इस पर लूट खसूट की, इससे करप्शन की, हमने इसे बर्बाद किया, अपने आवाज से बर्बाद किया। अल्लाह हमें माफ़ फरमा, हमें अच्छे हुक्मरान अता फरमा, और उसके लिए हमें अखलाकी तौर पे कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह से तौबा करने के बाद कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने तौर पे अल्लाह ताला के सामने इस बात का इकरार करें कि अल्लाह इस रमजान के अंदर हमें ऐसा रास्ता दिखा दे, ऐसे कोई ऐसे ऐसे लोग हमारे सामने ले आ जो कि आपसे डरते हो, यानी अल्लाह अल्लाह के खौफ से डरते हो, उन्हें पता हो कि हमारे सुबह शाम के जो हमारे आमाल है अल्लाह उन्हें देख रहा है, हमने अल्लाह से हमें जवाबदेही देनी है। आप यकीन करें अगर लीडर के अंदर खौफ खुदा पैदा होगा और लीडर के अमाल अगर दुरुस्त होंगे तो उसके मानने वाले बिल्कुल ठीक होंगे, उसके उसके इतबा करेंगे। मैं फिर से ये कहता हूं कि मैं किसी सियासी जमात का मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है। मैं कहता हूं कि आप अपने लीडरों के साथ खड़े हो, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए भी खड़े हो। आप अपने ईमानदारी के साथ सोचें कि क्या हमारी बख्शिश का जरिया हमारी सियासी वफादारियां बनेगी या अल्लाह से वफादारी का जो है जरिया जो है वो हमारी हमारी जो है बख्शिश का जरिया बनेगा। इसके सिवा और कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत शुक्रिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से जाने के 35 साल के बाद आप सोचिए वाकया करबला होता है, इक्तदार की जंग थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जो आपके कंधों के ऊपर खेले थे, जिनके रुखसारों पे और होंठों के ऊपर आपने बोसे भी दिए थे, जो शख्स मारता है वो कोई आम शख्स नहीं। की जंग तो हमेशा रहती है, मुआविया के जंग क्या, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवे नहीं किए, जंगे नहीं की, यजीद थे और उन्होंने आपकी आल औलाद को ही खत्म कर दिया। ये अल्लाह ताला करे कि हम, और आज तो झूठ इतना ज्यादा है कि लोग झूठ भी बोलते हैं और आंख में आंख भी डालते हैं। समीर भाई आपका बहुत शुक्रिया। क्यों ना आज हम ये अहद कर ले कि हर आदमी खुद अपने तौर पर अपना मुहासबा करे। सही सर। सर आम आदमी तो बेचारा मुहासबा करते ही वक्त गुजारता है, आप अपने लीडर्स को कहें।
बहुत शुक्रिया समीर भाई आपकी मौजूदगी का। समीन, मेरे पास तो इन बातों का जवाब है कोई नहीं। इस्लाम अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हम और मैं आज पूरा जोर लगा के आपसे बात कर रहा भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अल्लाह ताला करम करे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हूँ। बहुत शुक्रिया, इजाज़त खुदा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।